धार जिला पंचायत सीईओ सिंगार श्रीवास्तव ने आज जनपद पंचायत डही का दौरा किया। यहां उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में चल रही पेयजल समस्या के बारे में बताया कि नल जल योजना व जल शक्ति मिशन के कार्य प्रगतिरत होने से और हेडपंपों का जल स्तर कम होने से समस्या आ रही है। जहां हेडपंपों का जल स्तर कम हुआ है वहां सिंगल मोटर डालने का काम हम कर रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम बनाकर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने यहां अमृत सरोवर का निरीक्षण कर जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। आपका जो दौरा था, आपने किन किन पंचायतों का दौरा किया था? रूटीन का दौरा था, मैंने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया है, प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया है, क्षेत्र भ्रमण में लगातार कार्रवाई हुई। दही के किन किन पंचायतों में पहुँचा? अभी मैं अदरसुमा जाने वाला हूँ जी। और कुछ आपका आने का मकसद सर? क्षेत्र भ्रमण जो भी शासकीय योजनाएँ हैं उनका निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, शीघ्र कार्रवाई करवाना, ये दायित्व है हमारे। उसी तरह ठीक, धन्यवाद। जानकारियाँ मिल रही हैं, अधिकतर क्षेत्र में जो है वो नल जल योजना है और जल जीवन मिशन के काम है। कई जगह प्रगतिरत होने के कारण या कई हैंडपम्प में जल स्तर नीचे होने के कारण बंद हुए हैं। तो जहाँ जल स्तर नीचे हुए हैं उसके लिए तत्काल हम लोग जो है वो सिंगल मोटर की व्यवस्था करवा के और हैंडपम्प में मोटर लगवा रहे हैं। पीएचई के द्वारा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसके लिए, जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है, कहीं पर भी लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। इसके निर्देश सभी जगह मैंने ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन इसकी जानकारी जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए और सतत प्रक्रियाधीन है जहाँ पे भी पेयजल की समस्या नहीं लगाता है। मोटर कब तक डल जाएगी सर? वो तो जहाँ जिस भी ग्राम पंचायत में जल स्तर कम होता है हैंडपंप को हैंडपंप है लगातार हम लोग उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।